डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्मशती के वर्ष का समापन कार्यक्रम यह है। तो सवा साल तो एक साल का ही होता है, इसके बाद 101 हुआ 100 ऐसा चलेगा। मनाने की पद्धति 100वें साल को मनाने की है, इसलिए जन्मशती के कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। परंतु जिस कार्य में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने अपना जीवन लगा दिया, केवल अपने परिश्रम से नहीं तो अपने उदाहरण से उस कार्य को एक स्वरूप देने का नित्य निरंतर प्रयास किया, वो कार्य तो सदा चलता रहेगा। इसलिए ये जो हम जन्मशती मनाते हैं, अब जो काम करते हैं उनको तो ये अपेक्षा नहीं रहती और ये पता भी नहीं रहता कि ऐसा होने वाला है, परंतु उदाहरण हम सब लोगों के सामने आता है, उसका हम पुनर्स्मरण करते हैं, उस बहाने कार्य कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे चला, पहले दिन क्या थे, इसका स्मरण हो जाता है, तो आगे आने वाले समय में उस कार्य को बढ़ाने के लिए हमको एक पुख्ता पाथेय ऐसा मिल जाता है। अभी भारत विकास परिषद एक देशव्यापी संगठन हो गया है, तो सामर्थ्य बढ़ा है और इतने वर्षों के कार्य के कारण कार्य के प्रति एक विश्वास, कार्य की एक प्रतिष्ठा भी बन गई है। इसलिए ये सब सहायक होते हैं, इसलिए पहले जो काम करते थे, 100 परिश्रम करते थे तब एक कदम आगे बढ़ते थे, आज ये सब पुण्य अपने पास में आ गया है पूर्व के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण, तो हम 10 परिश्रम करेंगे और 100 कदम आगे जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है। किसी भी कार्य में पहले उपेक्षा होती है, विरोध भी होता है, बल्कि भारत विकास परिषद का कार्य ऐसा है कि इसमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं है, किसी से लड़ना वड़ना नहीं है, जो अच्छा है वो करते रहना है, सबको जोड़ना है और अच्छे भले काम करते रहना है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का वो काम सब किए चलो, इसमें विरोध की गुंजाइश बहुत कम रहती है। लेकिन फिर भी एक अवस्था वो भी है जिसमें से कार्य को जाना पड़ता है और फिर अनुकूलता आती है। अनुकूलता में ज्यादा चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि अब हम यशस्वी है, जयस्वी है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बन गई है, इसलिए जहां जाते हैं वहां वाहवाही तो होती ही है, जय जयकार तो होता ही है। उससे जैसे उत्साह बढ़ता है वैसे एक संभावना यह भी रहती है अहंकार भी बढ़ता है, और अहंकार सभी कार्यों को मारक होता है और विशेषकर सेवा में तो अहंकार बिल्कुल नहीं चलता। इसे कहानी बताते हैं कि एक राजा थे, बड़े प्रजावत्सल थे, कुशल थे, शूर भी थे, बचाव भी अच्छा करते थे देश का, आक्रमकों को उत्तर देने के लिए लड़ाइयां जीतते भी थे और लोगों के हित को जानकर उनके हित की बातें करते थे, तो जैसा आदर्श राजा होना चाहिए ऐसे वो राजा थे। और एक बार उनके मन में विचार आ गया, एक सन्यासी को, वो एक नया किला बन रहा था, वो दिखा रहे थे,
ऐसा ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। उस समय उसके मन में, उनके मन में विचार आया कि कहाँ से शुरू किया, मैं अकेला था, अब इतना सारा साम्राज्य हो गया, किले बन गए, कोई होगा क्या ऐसा राजा पृथ्वी तल पर जो इतने कठिन परिस्थिति में से और इतने अल्पावधि में इतना बड़ा काम कर सकता है। तो सन्यासी थे, वो अंतर्ज्ञानी थे, उन्होंने अपने हाथ में जो लाठी थी उनकी सन्यासी की, उससे वहाँ के एक पत्थर पर जोर से मारा, ऐसे ही, तो पत्थर टूट गया। देखते तो पोल था, इसीलिए टूट गया लाठी के प्रहार से। अंदर पानी था और पानी में एक छोटा सा मेंढक भी था। तो सन्यासी राजा को कहते हैं कि महाराज, आप तो बड़ी चिंता करते हो जी, सारे प्रजा की इतनी, अब ये पत्थर के अंदर मेंढक बैठा है, उसके लिए पानी की भी चिंता आपने की है, बहुत अच्छा काम आपने। तो समझ गए कि पत्थर में पानी रखने वाला तो मैं नहीं हूं, जो सबकी चिंता करता है उसी के प्रभाव से मैं भी कुछ कर सक रहा हूं। तात्पर्य क्या है कि अनुकूलता में अहंकार से दूर रहने की चिंता करनी पड़ती है, और सुविधा बढ़ती है तो, सुविधा है तो कार्य के लिए भी सुविधा होती है, ये सुविधाओं का उपयोग तो करना ही चाहिए। परंतु सुविधाओं की एक खराब आदत है, वो मनुष्य को सुविधा भोगी बनाती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये दोनों बातें ठीक होनी है तो अपने पूर्वज और एक संगठन के नाते अपना पूर्व चरित्र, इसको बार बार याद करना अच्छा रहता है। हमको 8वीं के क्लास में अंग्रेजी में एक कहानी थी, पाठ में, टेक्स्ट बुक में, आयाज नाम का एक वजीर था, एक सुल्तान का, और बहुत ही कुशल था, बहुत ही लोकप्रिय था, राजा के मन में भी उसके बारे में बहुत विश्वास, स्नेह, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। और जैसे राजा के नाक का मोती बन गया था, इतना राजा उसको और जतन से देखता था। अब राजा का दरबार है, यानी वहाँ पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में तो जलने वाले होते ही है, आप जानते हो, तब भी थे, और इसलिए जलने वाले लोग भी थे उस पर, और इसलिए वो 24 घंटा इसकी कहाँ गलती होती है इस पर नजर गड़ाए थे। तो उनको ध्यान में आया कि ये राजा का वजीर रोज रात को 12 बजे मध्य रात्रि में उठ के शहर के परकोटे के चोर दरवाजे से कहीं एक जंगल में जाता है, और वहाँ एक खंडरनुमा मकान है, वहाँ अंदर जाता है, थोड़ी देर रहता है और वापस आता है, किसको मिलता है, क्या करता है पता नहीं, लेकिन इतना तो बस है। आधी रात उठकर किसी राज्य का वजीर क्यों जाएगा जंगल में खंडरनुमा मकान में, कुछ तो दाल में काला है। बस वो लग गए राजा के काम, राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है, राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने कहा वो क्या हो नहीं सकता, आप आँख को आँख देखा आप निश्चित कर सकते, आप देख लो, हम बता रहे हो गलत बात नहीं है। तो बहुत मनाने के बाद राजा ने सोचा अच्छा चलो मैं भी परीक्षा कर लेता हूँ। तो भेष बदल के एक बार राजा उसके घर के पास रात को, वो सुल्तान छुप गया, और जैसे ही वो वजीर निकला आयाज अपने घर के बाहर, उसके पीछे पीछे हो लिया, जैसा दरबारियों ने बताया था वैसे ही वो चोर दरवाजे से आगे गया, वो खंडर नुमा मकान जो था जंगल में उसमें घुस गया, और जैसे ही वहाँ से बाहर आया राजा ने उसको रोका, सुल्तान ने, और कहा कि देखो तुम पर मेरा भरोसा था, लेकिन तुम क्या करते हो, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हो। तो आयाज ने कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं है, मैंने अंदर क्या किया आपको देखना है, चलो ये मेरे साथ। तो राजा को ले गया, वो खंडरनुमा मकान का बिल्कुल बीच वाला कमरा था उसमें गया, हाथ में मशाल थी, उस मशाल के प्रकाश में सुल्तान ने देखा कि वहाँ एक बड़ी संदूक है। आयाज ने उस संदूक को खोला,
और उसके अंदर झांका और वापस हो गया। उसने कहा महाराज आज ये काम मैंने दोबारा किया, यही काम मैं करता हूँ, यहाँ आता हूँ इस संदूक में झांक कर देखता हूँ फिर वापस जाता हूँ। इस संदूक में क्या है झांक कर देखना, बोले आप भी देखिए। राजा देख सुल्तान देखता है तो उसमें एक फटा पुराना कोट है। इस कोट को क्यों देख रहा हूं? तो उसने कहा कि मैं इस नगर में आया था तो मेरी हालत ये थी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये एक फटा पुराना कोट था जाड़े से सुरक्षा के लिए, उसको पहन के मैं आया था। आज मैं आपकी कृपा से यहां तक आया हूं, यहां तक आया हूं तो मेरे दिमाग में ये वैभव चढ़ न जाए और मेरी मति भ्रष्ट न हो, इसलिए मैं रोज आता हूँ, इस फटे पुराने कोट को देखता हूँ कि हालात वैसे भी थे, उन हालातों से पार जिन बातों के भरोसे हम यहाँ तक आए उसको सुरक्षित रखना है। ये समृद्धि के परिणाम से बचने का उपाय है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सूरज प्रकाश की जन्म शताब्दी का निर्णय भारत विकास परिषद ने इसलिए किया है, एक संगठन के बीज रूप होकर उसकी सारी बातों का निर्धारण करना, लिखित नहीं बताना, करना, और जो किया गया वो लिख बन जाती है, जो किया गया वही बताया जाता है। ऐसा जीवन भारत विकास परिषद के इतिहास में उनका, वो इस संगठन के मूल में जैसे रचा पचा जीवन है। और इसलिए हम थोड़ा विचार करें कि ये सारा परिश्रम उन्होंने क्यों किया। वो एक अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, आराम से जिंदगी काट सकते थे, अपनी कमाई कर सकते थे, लेकिन ये सब करने की उनको आवश्यकता क्या थी? तो पहली तो बात है कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए किया नहीं। मुझे पता नहीं दिल्ली में भी, अब तो उनकी समकालीन पीढ़ी तो बहुत कम रह गई होगी, बचपन में उनको देखा ऐसे लोग भी अभी कम होंगे, तो ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के पहले कितने लोग दिल्ली के उनका नाम जानते होंगे, मैं नहीं जानता, बहुत कम होंगे ऐसा मेरा अनुमान है। तो कोई प्रसिद्धि का वगैरह मामला नहीं था, अहंकार की तृप्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और सारा काम जीवन भर किया है तो घर का खाकर समाज का काम किया है, तो ये क्यों किया होगा? तो उसका एक ही कारण है, अपनापन, सेवा। सेवा हम करें जब से, तो सेवा क्यों होती है? जो अपनेपन के कारण होती है वह सच्ची सेवा। लगता है कि सेवा करनी चाहिए, जो दुख में है वो भी मेरा है, वो मेरा ही है, वो दुख में और मैं सुख में कैसे रहूं? कहीं कोई अभाव है तो मेरे जीवन में भी अभाव है, वो अभाव कहीं और है ऐसा नहीं, वो मेरे जीवन में वही अभाव है, उसको पूरा किए बिना मेरा जीवन पूर्ण नहीं होगा। ये संवेदना जो मनुष्य की मनुष्यता का परिचायक है वो फूट पड़ती है, हृदय की व्यथा जो उत्पन्न होती है दूसरों का दुख देखकर, वही सेवा भाव बनकर फूट निकलती है, कृति में परिवर्तित होती है। ऐसी एक स्वाभाविक सेवा उनके हाथ से जीवन भर हुई। बिल्कुल देश विभाजन की परिस्थिति में गुंडों की दंगों से उस त्रासदी में पीड़ित लोगों को सुरक्षित भारत लाना, उनकी सेवा करना, यहां से लेकर तो भारत विकास के प्रारंभ में नागरिक समिति बनाकर चीन के आक्रमण के प्रतिकार में जो जो नागरिकों ने करना आवश्यक था वो सब करने लगना, ये जो सारा सहज संवेदना का प्रकटीकरण हुआ वो हमको करना है, क्योंकि भारत विकास परिषद समाज के प्रबुद्ध और समृद्ध व्यक्तियों का समूह है, संगठन है।
प्रबुद्ध है इसलिए समझते हैं। ये बुद्धि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो प्रबुद्ध जन है, वो इन सब बातों को जानते हैं। मेरे भाषण के पहले हजारों बार आपने ये बातें पढ़ी सुनी होगी और आपने स्वयं हजारों बार बताई भी होंगी। घर में छोटे बच्चों को भी इन बातों को हम बताते हैं, हम जानते नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन बुद्धि से जो जानते हैं, मन से जो स्वीकार करते हैं, उसको कृति में लाने के लिए आदत करनी पड़ती है। शरीर की आदत बनती है, उस आदत को बदलना पड़ता है। अच्छा बनना है ना क्या, अच्छा बनना है ना क्या, बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि बताने वाले भी बहुत है, सदियों से बताते चले आ रहे हैं, आज भी बताने वाले हैं, कल भी रहेंगे। समझते तो है, सब लोग समझते हैं। लोगों को जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में समझाने वाले हैं, और मन को भी अच्छा ही लगता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अच्छे की तरफ होती है, ये बात अच्छी है, इसलिए सबको अच्छी लगती है। अपने हाथ से हो ये सपना भी लोग देखते हैं, परंतु ऐसा हो इसलिए अपने शरीर का जो रूटीन बना है इतने वर्षों की आदत से, उसको बदलना पड़ता है, समय उसमें लगता है। कृति में ये सारा परिवर्तित होना अगर रुकता है तो यहां रुकता है। प्रतिष्ठा के झूठे पर्दे को फाड़कर अपने शरीर को, जिसकी आदत नहीं ऐसे परिश्रम में और वातावरण में भी ढालकर ये काम करना, ये करना पड़ता है। और ये करने का आदर्श हमारे पास डॉक्टर सुरेश प्रकाश जी के रूप में है, उसका अनुकरण होना चाहिए, क्योंकि प्रबुद्ध जनों को ये बात समझ में आती है। दूसरी बात है, समृद्धि है इसलिए साधन संपन्न है। साधन आर्थिक संपन्नता यूं ही नहीं आई, उसके लिए परिश्रम किया है, संघर्षमय जीवन का अनुभव लिया है, तो कई बातों के उपाय भी हमको मालूम है। सामान्य आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी बातें सोचकर हम ठीक कर सकते हैं, सामर्थ्य भी है। लेकिन उससे भी महत्व की बात है कि हमारे जैसे लोग समाज में ट्रेंड सेटर्स होते हैं। प्रसिद्ध होंगे हम नहीं होंगे, फैशन में हमारा नाम होगा नहीं होगा, परंतु समाज का नियम है। भगवद्गीता में भगवान ने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा बाकी सारे लोग करते हैं। वो जो प्रमाण बना देता है, स्टैंडर्ड बना देता है, वैसे उसका अनुकरण बाकी लोग करते हैं, उसके अनुसार लोग चलते हैं। क्योंकि लोगों को बाकी बातें ध्यान में नहीं आती, तत्वज्ञान विचार सूझबूझ नहीं रहती, तो धर्म वगैरह ऐसी कई बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते। ग्रंथों में ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार की बातें, कभी कभी उल्टी बातें भी मिलती हैं। अनेक लोग हैं, अनेक महान लोग हैं, अनेक लोगों ने लिखा है, अनेक लोगों ने बोला है, किस परिस्थिति में किसको, इसमें कुछ भेद हो जाता है बताने में। उपदेश एक ही रहता है लेकिन सुनाई अलग अलग देता है, कभी कभी विरोध भी सुनाई देता है। और इसलिए सामान्य मनुष्य क्या कहता है, महाजनो ये न गत स पंथा, बड़े लोग जैसे चलेंगे वैसे हम भी चलेंगे। तो अपने देश के लोगों की लीक बनाने का काम हम चाहे न चाहे हम कर रहे हैं, और इसलिए स्वर्गीय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने सोचा उस समय कि अपने समाज के प्रबुद्ध संपन्न वर्ग को एक दिशा मिलने की आवश्यकता है। उन्होंने उस समय क्या परिस्थिति देखी, ऐसा क्यों सोचा, ये मुझे मालूम नहीं,
मैं उस समय बहुत छोटा था, इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा, कुछ देखा होगा इससे सोचा, और उन्होंने ये संगठन शुरू किया। अब दिखने में तो इसका स्वरूप कोई नया स्वरूप नहीं है, अलग अनोखा स्वरूप नहीं है, बाहर से दिखने पर लगता है कि जैसे रोटरी क्लब है, अलायंस क्लब है, हमारा एक भारत विकास परिषद है। लेकिन डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम वो है वैसे हम और एक, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको केवल सेवा करनी नहीं है, हमको लीक बनानी है। इसलिए बाहर जो करना है, लोगों के बारे में जो करना है वो तो करना है ही, लेकिन हमको कुछ होना है। अभी भारत विकास परिषद में चर्चा चलती है, भारत के बनो, भारत को मानो, भारत को जानो। तो भारत के बनो यहां से काम शुरू होता है, क्योंकि हमारा भारत विकास परिषद है। तो भारत इस शब्द का भी एक विशिष्ट अर्थ है, विकास इस शब्द का भी भारत के संदर्भ में एक विशिष्ट अर्थ है। विकास की कल्पना है भारत की एक, क्या बाकी दुनिया में विकास किसको मानेंगे? तो भौतिक सुखों की प्रचुरता है, भरपूर है, और क्या पास में भरपूर धन है, और हाथ में कुछ ताकत है, पावर है, पावर मनी एंड प्लेजर, तो फिर सर्वांगीण सुख हो गया। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं है। अपने यहां कबीर महाराज जी ने कह दिया, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब मेरे या मेरे अकेले परिवार के विकास में सच्ची विकास नहीं है, क्योंकि मनुष्य उसके अंदर जो है सत्य, वो सारे विश्व का सत्य है, सारा विश्व उसी से निकलता है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है, उसको विचार दिया है, उसको समझदारी दी है, ये शक्ति अगर प्रकृति ने दी है जो बाकी किसी को नहीं दी, तो इसका मतलब है मनुष्य को इस प्रकृति को भी ठीक चलाना है, सारी मानवता को भी ठीक चलना है उसके लिए, तो यह उसका दायित्व बनता है। बैल पर कोई दायित्व नहीं है सृष्टि का, वो प्रकृति ने जैसा रखा वैसे काम करता है। शेर पर कोई दायित्व नहीं है, बकरी पर कोई दायित्व नहीं है, उनको जैसे प्रकृति ने निर्माण किया वैसे वो जन्म लेते हैं, और पता नहीं रहता उनको क्यों आए इस दुनिया में, कैसे आए, मर जाते हैं तो ये भी पता नहीं उनको कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है, जन्म और मरण के बीच में प्रकृति भूख देती है, खाना काम है, प्रकृति प्रजा परिपोषण का एक प्रेरणा देती है, संख्या बढ़ाना है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नारायण। मनुष्य भी बायोलॉजिकली एक एनिमल है, उसको भी ये सारा प्रकृति ने दिया है, लेकिन मनुष्य को विचार दिया है, बुद्धि दी, समझदारी दी, संवेदना दी, तो उसका काम है कि उसका उपयोग करके इस पशु के स्तर के जीवन से वो ऊपर उठे। कितना ऊपर उठे, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर, इतना आगे उसको बढ़ना है, बढ़ते रहना है, पशु से मानव, मानव से अति मानव, अति मानव से देवत्व, ऐसे आगे चलते रहना है। विकास का कोई अंत नहीं है, विकास अकेले का भी नहीं है, और विकास केवल भौतिक जगत का नहीं है, विकास अपने आंतरिक जगत का है। तो पढ़ना लिखना, कमाना, ओहदा पाना, ये ठीक है, ये नकारा नहीं है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि है तो उसके लिए जो आवश्यक है वो ठीक है,
परंतु केवल उतना नहीं है, एक आईएएस अफसर छुट्टी पर गए, बाद में उन्होंने लिखा इस कहानी को। छुट्टी पर गए जंगल देहात के इलाके में, रहे वहाँ, गेस्ट हाउस था सरकारी, उसमें रहे, रोज घूमने के लिए जाना, जंगल की शोभा देखना, क्या क्या किया, 3 दिन आराम, जिसको रिलैक्स ऐसा कहते हैं वैसे हो गए। तो लिखते वहाँ मुझे एक अनुभव आया, शाम को मैं टहल के 5-5:30 बजे वापस आ रहा था, एक पेड़ पे मैंने घोंसला देखा, वो एक भैया नाम की चिड़िया रहती है, बड़ा सुंदर शंकुआकृति घोंसला बनाती है, और डोर वे भी रहता है उसको, तो दिखने में भी सुंदर रहता है, लोग अपने घरों में रखते हैं उसको। तो अब ऊंचा पेड़ पर था और ये सूट-बूट में थे, सुपर क्लास 1 अफसर थे, तो प्रतिष्ठा की भी विरुद्धता, पेड़ पर वगैरह कैसे चढ़े। लेकिन एक गडरिये का बच्चा वहां था, अपनी बकरियां चराते चराते आया था, तो उसने कहा वो देख रहे हो क्या है, तो बोले हाँ भैया का घोंसला है, तो बोलो निकाल के दो, उसने कहा नहीं देता। अरे कहा अरे मैं भैया 1 रुपया दूंगा दूंगा, निकाल के दो, तो बोले नहीं रुपया नहीं चाहिए। तो इन्होंने दाम बढ़ाया, 10 रुपये तक गए, लेकिन वो तैयार ही नहीं। तो बोले क्यों, तुम आसानी से कर सकते हो, तुम्हारी आयु है ये सब करने की, कई बार तुम कर चुके भी होंगे, तो मैं 10 रुपया देने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं, क्यों, तो बोले आप शहर से आए यहाँ, बोले हाँ आए, तो कितने दिन रहेंगे, तो बोले परसों के दिन जाना है, तो बोले वहाँ आपकी राह देखते होंगे, घर के लोग परसों के दिन राह देखेंगे, देर हो गई तो चिंता करेंगे, तो बोले हाँ वो तो है ही। तो बोले वो घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, वो चिड़िया बाहर गई है, वो बच्चे भी उसकी राह देखते होंगे, अगर आप घर नहीं पहुंचे तो आपके घर में क्या होगा। तो आगे वो अफसर साहब उस लेख में लिखते, कहानी में लिखते हैं कि मुझे मेरे बहुत शिक्षित अफसर होने की लज्जा आई उस समय। विकास क्या है, अगर आप उस घोंसले में जो बच्चे चूजे हैं चिड़िया के, उनका दर्द समझ नहीं सकते, तो आप मनुष्य कैसे हो, और वो भी शिक्षित मनुष्य कैसे हो, और वो भी जिम्मेवार मनुष्य कैसे हो, और वो भी साधन संपन्न मनुष्य कैसे हो आप। इस तरफ हमारे महाजनों का ध्यान आकर्षण करना, और ऐसा वो बने, वास्तव में समाज को जिनके पीछे जाना है, जिनके पीछे जाने से समाज को धर्म समझ में आएगा, समाज का कल्याण होगा, ऐसे महाजन बनना, ये पहले करना पड़ता है। भारत के बनो, क्योंकि भारत इसी के लिए है। भारत को जानना है तो भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, ये सब जानना है, लेकिन भारत का प्राण क्या है। भारत का प्राण है, उसने अस्तित्व में इस एक तत्व को देखा और ये समझा कि अनेक रूप धारण करके यह तत्व पूरे विश्व के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, दिखता अलग अलग है लेकिन वह है एक ही, और इसलिए मनुष्य का विकास यानी इस विश्व के साथ एकात्म तदात्म हो जाए। वो मनुष्य अपने यहां देखो, हमारे 8वीं पीढ़ी के पूर्वज कौन थे, ऐसा अगर मैं पूछूं तो बहुत कम लोग होंगे यहाँ मेरे सहित जो उसका उत्तर दे सके, जरूरत नहीं है, भूल जाते हैं, मालूम भी नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद सब लोग जानते हैं, आपके रिश्तेदार थे क्या, नहीं रिश्तेदार नहीं थे, अच्छा आपके गांव में आए होंगे कभी आपकी भेंट, अरे नहीं भाई उनके मरने के बाद मैं जन्मा, और हमारे गांव में वो कभी आए ही, अच्छा तो क्या सांसद थे क्या, मंत्री नहीं, भाई भी विधायक रहे हो, नहीं नहीं विधायक होते, झड़पी में नहीं, ग्राम पंचायत में भी नहीं, वार्ड के भी नहीं, अच्छा अच्छा पैसा,
अरे पैसा था, उनकी बूढ़ी माता जी थी, उसका योगक्षेम खेतड़ी के महाराजा मनी ऑर्डर भेजते थे तब चलता था। वो एक ढेला नहीं कमाया, कहीं कोई प्रभाव नहीं, प्रभुता नहीं पाई, न रिश्ते के है, न नाते के, न कभी देखा, न कभी आए अपने इधर। हम क्यों जानते हैं उनको? हम इसलिए जानते हैं कि वो अपने लिए नहीं जिए, वो जिए ऐसे जिए स्वयं सारी मानवता के सामने एक उदाहरण बन गए, और ऐसा बनने के बाद भी उसका भी उपयोग उन्होंने अपने लिए नहीं किया। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, राजा रंतिदेव कहते, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न तू अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भव, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्या एकमात्र इच्छा है दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाम। यह भारत है। स्वामी जी कहते थे इस भारत को क्या करना है, हे भारत तुम्हारा जन्म इस विश्व में प्रभुता संपन्न होकर उपभोग करना, विश्व पर राज्य करना नहीं है, तुम काली माता के बलि वेदी पर खंभे से बांधे हुए पशु हो, तुमको बलि जाना है मानवता के लिए, अपने लिए तुमको नहीं जीना है, दुनिया के लिए जीना है। ये भारत है, वो भारत के साथ हमको एकात्म होना है, तदात्म होना है, हमको भारत बनना है और उस भारत की नजर से विकास करना है। शरीर मन बुद्धि का विकास तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस आत्मा का यानी आत्मीयता का विकास, अपनेपन के आधार पर सारी बातें चले। आज कैसे चलती है आज के दुनिया के चलने के पीछे किस डायनेमिक का, किस मैकेनिज्म का प्रयोग होता है? तो भाई दुनिया में लोग बहुत है, चाहिए बहुत, चाह बहुत है, साधन मर्यादित है, एंड्स आर एंडलेस, मीन्स आर लिमिटेड, पहली बात। और इसलिए देर इज अ स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और स्ट्रगल है तो फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जितनी आयु मिली है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि ही है और कुछ है नहीं, तो उसको तृप्त करने वाले सारे उपभोग जितने ज्यादा तुम प्राप्त कर सकते हो और जितने ज्यादा दिन अपने आप को उपभोग करने में समर्थ रख सकते हो उतना करो, वही जीवन का सब कुछ है। बाद में क्या है पता नहीं। इस डायनेमिक्स पर दुनिया चलती है, इस डायनेमिक्स को बदलने का काम भारत का है, इस डायनेमिक्स को बदलने का काम भारतवासियों का है, संपूर्ण दुनिया को इन सबको जोड़ने वाला तत्व देना है, संपूर्ण दुनिया के अर्थ कामों को नियंत्रित करने वाला, उसके उसके उद्यम को संतुलित करने वाला धर्म देना है, तब सारी दुनिया सुखी होगी, तब दुनिया विकास और पर्यावरण में कलह, विज्ञान और अध्यात्म में कलह, राजा और प्रजा में कलह, समाज और व्यक्ति में कलह, क्योंकि स्ट्रगल संघर्ष से ही दुनिया आगे जाती है। सब लोग झगड़ा करो, झगड़े में जो दुर्बल है वो मर जाएंगे, फिर जो सबल है वो राज करेंगे, करते करते अंत में एक रहेगा, वो अकेलेपन में बोर होके मर जाएगा खुदकुशी करके, और क्या होगा? इसमें कोई भविष्य नहीं है, इसमें ऐसी भयंकर अनिश्चितता है जो हृदय को भयभीत कर देती है। भारत आश्वस्त करता है ऐसा नहीं है, इसके परे है जो कुछ है वो, ये दिखता है, इसमें से जाना है, इसको डी रिकॉग्नाइज मत करो, इसका भी रिकॉग्निशन करो, इसमें भी उद्यम करो, लेकिन ये ध्यान में रखकर करो कि वास्तविकता इसके परे है, वो इन सब टूटे हुए धागों को जोड़ के रखती है, इसलिए दुनिया चल रही है, उसको ध्यान में रखकर जीवन जियो,
तो अविद्या और विद्या दोनों को प्राप्त करो, अविद्या से मृत्यु पर विजय और विद्या से अमरता प्राप्त करो। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्नुते। इस जीवन को जी के उसी जीवन की राह पर सबको चला। भारत विकास परिषद का निर्माण डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने स्वयं ऐसा जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर किया। स्वयं ऐसे लोगों को जोड़कर उनमें ये बोध जगाकर उनको कार्य प्रवृत्त किया, तो कार्य पद्धति की भी कई बातें उनकी अनुभव की बातें हैं, हमको सीखने लायक है, सारे समाज को सीखने लायक है, भारत विकास परिषद को सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर सुरेश प्रकाश जी देश के जीवन को जिस प्रकार का मोड़ देना चाहते थे, देश के महाजनों ने जिस प्रकार का उदाहरण रखना चाहिए उसके लिए और जिस प्रकार से काम करना चाहिए उस तरीके का उदाहरण उन्होंने स्वयं रखा, उसके आधार पर उन्होंने कुछ बातें रखी। तो लोग अब डॉक्टर सुरेश प्रकाश जी को हम नहीं देख सकेंगे, लेकिन भारत विकास परिषद को सब लोग देख रहे हैं। उनमें उस विचार का, उस व्यवहार का, उस कार्य पद्धति का प्रतिबिंब लोग देखना चाहेंगे और वो दिखाना भारत विकास परिषद का काम है। क्योंकि देश को आगे बढ़ना है, क्यों आगे बढ़ना है, क्या जरूर क्या है ये सब करने की देश का वगैरह वगैरह, तो देश का भाई प्रयोजन है। भारत किस प्रयोजन से इस दुनिया में है? यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, ये क्यों हुआ? बाकी तो सब मिट गए, देखते देखते आक्रमणों की आंधी में 77 साल में स्पेन से साइबेरिया एक रंग में रंग गया। अभी भी उस आक्रमण के प्रभाव वहां मिलते हैं, कुछ देश तो सदा के लिए बदल गए, मिस्र का इजिप्त बन गया, पर्शिया का ईरान बन गया। अभी वापस जाने की राह बंद है उनके लिए, वो अपने मूल तक नहीं जा सकते। उन्हीं आक्रमणों को झेलकर देखते देखते 3 खंडों में राज्य साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसी कीर्ति जिनकी थी, कितने लोगों के और भूतकाल को उन्होंने मिटा दिया। आज वो अंधेरे में है, अपने पीछे देखते तो उनको अंधेरे ही दिखता है। उन सब आक्रमणों को झेलकर भी आज हम जिंदा है, हिंदुस्तान है, किस लिए है? हमको ये दायित्व है दुनिया के जीवन में, समय समय पर दुनिया को आवश्यकता रहेगी इस संतुलन को वापस लाने की। भारत उठ रहा है, भारत इसके लिए उठ रहा है, केवल महाशक्ति कहलाने के लिए नहीं उठ रहा है। भारत को क्या करना है? महाशक्ति बन गए। आज जो महाशक्ति बन गए उन्होंने क्या किया? दुनिया पर डंडा चलाने के अतिरिक्त और बड़ी बड़ी सुनहली घोषणा के पीछे अपने स्वार्थ साधने के अतिरिक्त क्या किया? हमको नहीं बनना है वैसा, हम विश्वगुरु बनेंगे। सब बातों में हमारा विक्रम रहेगा। आर्थिक बल देखो, सामरिक बल देखो, देश की मजबूती देखो, देश का प्रकृति पर्यावरण को देखो, सब बातों में दुनिया में हम नंबर वन रहेंगे। लेकिन सारी दुनिया हमारी जैसी बने, हम नहीं बनाए, वहां के लोग आकर देखे, सीखे और बनाए। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानव। सारी पृथ्वी से मानव आकर यहां अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर जाएगा और अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी पूजा के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपने भूगोल इतिहास के अनुसार इन शाश्वत तत्वों के आधार पर एक मानवतापूर्ण जीवन अपने देश में खड़ा करेगा। हम किसी को जीतेंगे नहीं, हम सबके हृदय जीतेंगे, इस प्रकार का निश्चय करके भारतवर्ष को उठना है।
और भारतवर्ष को उठना है तो भारत का विकास होना चाहिए। भारत का विकास जिस परिषद को करना है उसको उस विकास का उदाहरण बनना चाहिए। इसलिए इस संगठन का काम चल रहा है, ये और गति से बढ़े और बढ़ते बढ़ते शीघ्र ही अपना गंतव्य प्राप्त कर ले, उसके लिए इसके सब कार्यकर्ताओं को डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जीवन का अनुकरण करने की बुद्धि हो। इसलिए जन्म शताब्दी मनाई गई, वो सुफल संपूर्ण हो, ऐसी शुभकामना आप सबको देता हुआ और कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मेरी काशी।